हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेश फूड फॉरएवर। आज मैं आपके लिए नमक पारे की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसके बाद मैं अजवाइन डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर। हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। उसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स हैं, तो ये चाय के साथ आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ। ये इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। उसके बाद मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से मैदे के साथ। इसमें ऑयल इतना डालना है ताकि ये मुट्ठी बनने लग जाए। इसमें देखो मुट्ठी बनने लग जाएगी, ये देखिए, इसका मतलब ऑयल ठीक है इसके अंदर। अगर मुट्ठी नहीं बनती तो फिर और ऑयल डालना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अब इसको ऑयल के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा पानी डलेगा नहीं इसमें, थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। जैसे डो लगाते हैं ना आटे का, वैसे ही इसको गूंदना है, डो लगाना है इसका। और ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ताकि इसको बेलने में आसानी हो। ये जो नमक पारे हैं ये मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और ये थोड़ा सा ही मैदा लिया है मैंने, 1.5 कप ही मैदा लिया है, मतलब इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आने वाला आपका, और घर में बिना ऑयल के आप इसको बना सकते हो। जो आटा गूंदने में मैंने ऑयल डाला है बस वही डाला है, उसके अलावा कोई ऑयल नहीं लगाया ऊपर से। अच्छी तरह से इसको गूंद लूँगी मैं ताकि स्मूथ हो जाए बिल्कुल, तभी नमक पारे हमारे अच्छे बनेंगे। पाँच मिनट रखने के बाद इसको दोबारा से मैं गूंद रही हूँ ऐसे करके। अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा हो गया ना। अब इसके 2 पार्ट्स कर लूँगी मैं, 2 लोइयाँ बना लूँगी। इसके बाद 1 लोई ले रही हूँ मैं, इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे हाथ से। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा दूँगी मैं। अब इसको बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, मीडियम होना चाहिए। इसका थिकनेस जो है मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर बिल्कुल ही सूख जाएंगे ये। ये देखिए इसको बेलती जा रही हूँ मैं। यही आप ये जो नमक पारे आप मार्केट से लेके आओगे आपको 40 रुपए के मिलेंगे, 40 रुपीज़ के 250 ग्राम्स मिलेंगे। लेकिन आप घर पे बनाओगे ये 5 रुपए का खर्चा आएगा या 10 रुपए का खर्चा आएगा इस पर, और इतने सारे नमक पारे बन जाएंगे। 1 प्लेट नमक पारे बन जाएंगे इसके, और साफ़ सुथरे और घर के बिल्कुल फ्रेश, आप कभी भी बना के खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए अब बेल लिया मैंने। ये देखिए अच्छी तरह स्मूथ कर दिया इसको। अब इसके पीसेस कट करूँगी मैं, जैसे नमक पारे होते हैं वैसे ही इसको कटिंग करेंगे। अब ये कट कर रही हूँ मैं। ये देखिए कट करते जा रहे हैं। ऐसे स्ट्राइप में कट करना है, लंबा लंबा स्ट्राइप करना है। उसके बाद फिर अभी बताऊंगी, बीच में से भी इसका मतलब कट लगाना है। ये देखिए सीधे सीधे पहले काट लेने हैं, जैसे मटर का साइज़ होता है, मटर या नमक पारे कुछ भी कह सकते हो आप। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे कर दूंगी पहले मैं इसके स्लाइसेस। इसको लंबा लंबा कट कर लूँगी। उसके बाद फिर ये देखिए, उसके बाद फिर इसको इसकी साइड चेंज करके अब बीच में से टेढ़ा कट लगाऊंगी। ये देखिए ये टेढ़ा कट लगा दिया मैंने। अब मैं एक पीस उठा के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ऐसे करके बन जाएंगे। अब इसको एयर फ्रायर में रख दूंगी मैं। ये देखिए एयर फ्रायर में रख रही हूँ इसको। 2 बार में करके बनेंगे ये, क्योंकि एक लोई और भी है, वो भी मैं बेल लूँगी और कट कर लूँगी और तब इसके बना लूँगी नमक पारे। ये देखिए अब इसमें रखती जा रही हूँ सारे। इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं, ये ऐसे ही फ्राई हो जाएंगे एयर फ्रायर से। ऊपर ऊपर भी रख सकते हैं इसके, क्योंकि एयर से फ्राई होते हैं ना, तो ये अपने आप इसकी साइड चेंज होती रहती है साथ साथ। ये देखिए 10 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए अब ये हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं। लग रहे हैं ना कितने बढ़िया। Please like, share and subscribe to the channel and thank you so much for watching.